हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो आज अपन आए नए लेसन के साथ। तो आज अपना लेसन है ड्राई फार्मिंग या ड्राई लैंड फार्मिंग, शुष्क खेती या शुष्क भूमि खेती। लेसन नंबर 5 है, 12th क्लास का NCERT, अंक 2 नंबर का है। बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग यह है 2 नंबर का पार्ट है, जिससे 2 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। तो बात करते हैं ड्राई फार्मिंग की, शुष्क खेती या शुष्क भूमि खेती। तो शुष्क खेती क्या है, तो शुष्क खेती की बात करते हैं। तो शुष्क खेती जो है, इसमें क्या है, नो इरिगेशन सिस्टम। मतलब बात करते हैं, इसके अंदर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती है। यह डिपेंड होती है, यह पूर्ण रूप से ड्राई फार्मिंग जो है पूर्णतः डिपेंड होती है, वो होती है बरसात पर डिपेंड होती है, पूर्णतः निर्भर। तो यह पूर्णतः निर्भर रहती है बरसात पर। तो ड्राई फार्मिंग जो है पूर्णतः बरसात पर निर्भर रहती है। सिंचाई की इसके अंदर कोई व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है। बात करते हैं ड्राई फार्मिंग की। ड्राई फार्मिंग की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, तो वो क्या है, ऐसी खेती जिसके अंदर सिंचाई की कोई व्यवस्था न होने पर तथा वह खेती पूर्णतः बरसात पर निर्भर होती है, उसे कहते हैं शुष्क खेती। शुष्क क्षेत्र अपन बात करते हैं, अपन देख लेते हैं एक नक्शे के अंदर, अपन भारत में देख लेते हैं कौन सा ड्राई एरिया है और किस वजह से ड्राई एरिया है। तो अपन बात कर लेते हैं, टूटा फूटा नक्शा अपन बना लेते हैं थोड़ा सा भारत का। थोड़ा ऐसा ही बनेगा, समझने के तौर पर बना रहे अपन। तो ये अपना भारत का एरिया है, भारत का नक्शा है ये। तो बात करते अपना, यहां आ जाता अपना अरब सागर। अरब सागर, तो अरब सागर जो है, तो यहां एक गुजरात का एक क्षेत्र है। तो यहां गुजरात का क्षेत्र है पालमपुर। तो पालमपुर से अरावली की पहाड़ियां स्टार्ट होती है और वह पहाड़ियां अजमेर तक सीधी जाती है। गुजरात का एक क्षेत्र है पालमपुर। पालमपुर से अरावली की पहाड़ियां स्टार्ट होती है, वह अजमेर तक सीधी पहाड़ियां जाती हैं। तो अरब सागर से आने वाले मानसून इस अरावली श्रृंखला से टकराकर समांतर बढ़ जाते हैं। तो यह जो अरावली श्रृंखला के पीछे वाला हिस्सा है, यह है ड्राई एरिया। तो अरावली श्रृंखला के जो पीछे वाला हिस्सा है, यह है ड्राई एरिया, यह है शुष्क एरिया। तो यहाँ शुष्क खेती होती है। तो बात करते क्षेत्रफल की, तो शुष्क खेती का क्षेत्रफल जो है, शुष्क खेती के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो होता है मिनिमम 70% एरिया पे शुष्क क्षेत्र, 70% एरिया पर शुष्क खेती होती है। मतलब कि ड्राई फार्मिंग होती है 70% एरिया पे। बात करते भारत में कुल क्रॉपिंग, भारत में कुल कृषि क्षेत्र, तो भारत का कुल कृषि क्षेत्र कितना है, तो भारत का कुल कृषि क्षेत्र है वो है 329 मिलियन हेक्टेयर। तो भारत का कुल 329 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, और इसमें से कृषि किस क्षेत्र, कितने क्षेत्र में की जाती है, तो भारत के अंदर, भारत में कृषि 142 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में भारत के अंदर खेती की जाती है। 142 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में भारत में खेती की जाती है। और बात करते हैं ड्राई एरिया कितना है, तो ड्राई फार्मिंग का एरिया है वो है 95 मिलियन हेक्टेयर। तो ये अपने, हाँ, अपने को डाटा भी याद होना चाहिए कितने क्षेत्रफल पर अपनी खेती हो रही है, शुष्क खेती हो रही है, और भारत में कितने क्षेत्रफल पर कृषि हो रही है, और ड्राई फार्मिंग कितने क्षेत्रफल पर हो रही है। तो बात करते हैं भारत के अंदर कुल कृषि क्षेत्र कितना है, तो है 329 मिलियन हेक्टेयर। तो इतना 329 मिलियन हेक्टेयर तो पूरे भारत के अंदर कृषि क्षेत्र है,
उसमें से भी कृषि कितने क्षेत्र पर की जाती है, वो की जाती है 142 मिलियन हेक्टेयर पर खेती की जाती है। और बात करते हैं ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती कितने क्षेत्र में की जाती है, तो शुष्क खेती का क्षेत्रफल वो है 95 मिलियन हेक्टेयर, मतलब कि 95 मिलियन हेक्टेयर पर शुष्क खेती की जाती है। तो अपन आंकड़ा निकाले 142 में से 95 करें तो ये मिनिमम आ रहा है 67%। तो अपन इसको यहां लिख रहे हैं भारत के अंदर शुष्क खेती का क्षेत्रफल वो है 70, क्योंकि एनसीईआरटी में 70% दिया गया है। और अपन अगर डेटा के अकॉर्डिंग बात करें, डेटा के अकॉर्डिंग 67% है, तो आपको 65 से लेके 70 तक जो भी एरिया है वो शुष्क खेती का एरिया है। तो इतना एरिया है शुष्क खेती का अपने भारत में। और बात कर ले तो उत्पादन, कुल देश के कुल उत्पादन का 40% उत्पादन शुष्क खेती से होता है, देश के कुल उत्पादन का 40% उत्पादन शुष्क खेती से होता है। तो उत्पादन की बात कर लेते हैं, उत्पादन तो शुष्क खेती से जो उत्पादन होता है वो होता है 40% उत्पादन शुष्क खेती से होता है, मतलब कि देश के कुल उत्पादन का, जैसे देश के अंदर 100% खेती हो रही है, 100% उत्पादन हो रहा है, तो उसका 40% उत्पादन तो ड्राई फार्मिंग द्वारा ही प्राप्त होता है। ये है, तो ये डाटा अपने को याद होने चाहिए, शुष्क खेती के बारे में अपने को ये पढ़ना है। दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे इससे अपने 12th क्लास के अकॉर्डिंग बोर्ड के एग्जाम से। और अपन जेट के अकॉर्डिंग बात कर, जेट के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो अपने को ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जनसंख्या की, तो ड्राई फार्मिंग एरिया जो है, शुष्क खेती वाला जो क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, उसके अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो उसके अंदर जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है 40%। तो जनसंख्या की बात कर लेते हैं, शुष्क खेती वाली शुष्क जो एरिया है, तो उसके अंदर जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है 40% जनसंख्या वहां निवास करती है, 40% जनसंख्या जो शुष्क एरिया है, ड्राई एरिया है, जैसे जैसलमेर है, जोधपुर है, ये सभी शुष्क ड्राई एरिया में आते हैं, तो वहां 40% जनसंख्या निवास करती है। पशुओं की बात करते हैं, तो शुष्क जो एरिया है, शुष्क क्षेत्र है, वहां 60% पशु निवास करते हैं, 60% पशु की संख्या होती है। पशु संख्या की बात कर लेते हैं, 60% संख्या में पशु होते हैं, मतलब देश का 60% जनसंख्या पशुओं की शुष्क एरिया शुष्क क्षेत्र में उपस्थित है। तो ये अपने को डाटा याद होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं ड्राई फार्मिंग द्वारा जो खेती है, अपन 95 मिलियन हेक्टेयर में अपन खेती करते हैं ड्राई फार्मिंग, तो खेती का जो अपन देख लेते हैं कि जो भी अपन फसल हो रहे हैं तो उसको कितनी फसल उत्पादन ड्राई फार्मिंग द्वारा उत्पन्न हो रही है, तो वो देख लेते हैं। बात करते हैं मोटे अनाजों की, मोटे अनाज वाली फसलों का उत्पादन तो बात करते हैं मोटे अनाज वाली फसलों का उत्पादन, तो शुष्क क्षेत्र से कितना होता है, शुष्क क्षेत्र, तो मोटी अनाज वाली फसलों का उत्पादन शुष्क क्षेत्र से होता है, वो होता है 91%। तो बात करते हैं मोटे अनाज वाली फसलें जो है, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, ये सभी मक्का है, ये मोटे अनाज वाली फसलें, तो इनका 91% उत्पादन ड्राई फार्मिंग द्वारा होता है, मतलब शुष्क क्षेत्र से 91% इनका उत्पादन होता है, मोटे अनाज वाली फसलों का उत्पादन 91% उत्पादन ड्राई एरिया से होता है, शुष्क क्षेत्र से होता है। अब बात कर लेते तिलहनी की, तो तिलहनी फसलों का उत्पादन की बात करते हैं, तो शुष्क क्षेत्र से कितना होता है, वो होता है 80% जो उत्पादन है तिलहनी फसलों का वो ड्राई एरिया से होता है, शुष्क क्षेत्रों से 80% उत्पादन होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं अपन दलहनी फसलों की, और दलहनी फसलों में भी करते हैं अपन अरहर और चना की बात करते हैं, तो इनका प्रतिशत रहता है वो रहता है 91% इनका उत्पादन ड्राई एरिया से होता है दलहनी फसलों का, मेनली बात करता है अरहर और चना की, तो इनका उत्पादन रहता है 91%। अब बात कर लेते हैं कपास की, तो कपास का कितना क्षेत्र, कितना उत्पादन रहता है ड्राई एरिया से, तो कपास का उत्पादन रहता है वो रहता है 65% कपास का उत्पादन ड्राई एरिया से होता है। आगे अपन बात करते हैं कपास के बाद में अपन बात करते हैं धान की, तो धान के अंदर क्या होता है, धान के अंदर
पानी की अधिक आवश्यकता होती है, और पानी की अधिक आवश्यकता होने के कारण अपन देखते हैं मेनली अपन इतनी सिंचाई नहीं कर सकते, क्योंकि धान को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो मेनली अपन इतनी सिंचाई नहीं कर सकते, तो उसको अपन बरसात पे डिपेंडेड होते हैं। तो यहाँ जो धान का जो शुष्क एरिया से जो उत्पादन होता है वो था 50% धान का उत्पादन शुष्क एरिया से होता है। बात करते हैं सबसे कम उत्पादन शुष्क एरिया से कौन सी फसल का होता है, तो वो होता है गेहूं का। गेहूं का कितना होता है, तो गेहूं का जो होता है उत्पादन गेहूं का, तो गेहूं का शुष्क एरिया से उत्पादन होता है वो होता है 19% शुष्क एरिया से उत्पादन होता है। कारण क्या है, गेहूं एक ऐसी फसल है जिसको सिंचाई की आवश्यकता होती है, और एक मौसम के अनुकूल ही गेहूं को बोना चाहिए, और सिस्टमेटिक ढंग से गेहूं को सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस वजह से गेहूं को रबी मौसम में बोया जाता है, रबी मौसम में बोया जाता है, क्योंकि यह C3 पादप है, LDP पौधा है, और इसको जल की आवश्यकता अधिक होती है, तो इसको प्रॉपर वे में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से ड्राई एरिया से सबसे कम बात करते हैं उत्पादन की, तो वो होता है गेहूं का, वो होता है 19%। तो ये डेटा अपने को याद होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी सामान्य चीजें अपने को याद होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, जो अपन बात करते हैं ड्राई फार्मिंग की स्थापना कब हुई थी, ड्राई फार्मिंग की स्थापना देख लेते हैं। तो ड्राई फार्मिंग की स्थापना कब हुई, तो ड्राई फार्मिंग की स्थापना हुई थी 1955 के अंदर, ड्राई फार्मिंग की स्थापना हुई थी। बात करते हैं ड्राई फार्मिंग की स्थापना, तो ड्राई फार्मिंग की स्थापना होती 1955 के अंदर, फार्मिंग की स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। और एक स्थापना और देख लेते अपन, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना वो हुई थी 1953 के अंदर। तो ये डेट अपने को याद होना चाहिए। ड्राई फार्मिंग शुष्क खेती की स्थापना कब हुई थी, तो शुष्क खेती की स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। बात करते हैं केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना वो हुई थी 1953 के अंदर, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई थी, और 1955 में ड्राई फार्मिंग की स्थापना हुई थी, ये अपने को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन कुछ पैरामीटर्सों की, बात कर लेते हैं ड्राई फार्मिंग के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं। ओके, पहले तो अपन बात करते हैं ड्राई क्षेत्र जो है उसके होने के कारण क्या है, वह क्षेत्र ड्राई क्यों बना है, शुष्क क्षेत्र क्यों बना है, तो उसके कारण देख लेते हैं, किन कारणों से वह वहां का क्षेत्र ड्राई बना है, तो वो देख लेते हैं। तो अपन ने अभी देखा था नक्शे के अकॉर्डिंग अपन ने देखा था, तो अपन बात करते हैं जैसलमेर वाला जो बेल्ट है, पश्चिमी राजस्थान बोल सकते हैं अपन, पश्चिमी राजस्थान जो इलाका है वो पूरा ड्राई फार्मिंग के अंदर आता है, पश्चिमी राजस्थान। तो भारत में शुष्क क्षेत्र तो भारत के अंदर जो शुष्क क्षेत्र है वो है पश्चिमी राजस्थान जो है वह शुष्क क्षेत्र के अंदर आता है। तो अपन देख लेते हैं यह शुष्क क्षेत्र क्यों बना है, कारण क्या है, इस वजह से यह शुष्क क्षेत्र बना है। तो शुष्क क्षेत्र बनने के कारण लिख लो, किस कारण से बना है वहां का शुष्क क्षेत्र, तो वो देख लेते। तो पहला कारण आता है इसमें अरावली श्रृंखलाओं के कारण, अरावली पर्वत मैंने आपको बताया था, जब अपन दोबारा से देख लो, तो ये अपना भारत है, तो यहां अपने को अरब सागर और यहां आता है गुजरात का एक क्षेत्र आता है, गुजरात का पालनपुर क्षेत्र आता है, तो इससे पहाड़ियां चलती हैं और सीधी अजमेर तक सीधी जाती हैं। तो यहाँ जो अरब सागर से जो मानसून होता है, तो अरब सागर से मानसून सीधा जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से टकराकर वह समांतर दिशा में बढ़ जाता है,
तो इस वजह से क्या हुआ, अरावली श्रृंखलाओं की वजह से, अरावली श्रृंखलाओं की रुकावट। बात करते हैं अरावली श्रृंखलाओं के अवरोध से यह क्षेत्र जो है पश्चिमी राजस्थान जो है यह ड्राई बना है। तो आप अरावली श्रृंखला, अरावली पर्वतमालाओं के अवरोध से, अरावली पर्वतमालाओं के अवरोध, अरावली पर्वतमालाओं के अवरोध से यहाँ का क्षेत्र शुष्क बना है। क्योंकि अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो यहाँ का मानसून सीधा जाता, तो यहाँ पर बरसात होती, इस वजह से वह एरिया ड्राई नहीं रहता। वहां बरसात होती तो वह एरिया आर्द्र हो जाता। तो पहला है अरावली पर्वतमालाओं के अवरोध से, और दूसरा बात करते शुष्क क्षेत्र का ड्राई फार्मिंग, जो ड्राई एरिया जो है वहां का जो क्षेत्र है, वहां का जो मानसून की बात करते तो मानसून छोटा होता है। शुष्क क्षेत्र का मानसून सबसे छोटा होता है, वो होता है 50 से 60 दिन का मानसून का क्षेत्र होता है, मानसून होता है वहां का। तो मानसून जो है सबसे छोटा। तो बात करते दूसरा कारण आता है, वो आता है मानसून काल सबसे छोटा। तो यहाँ का जो है ड्राई एरिया जो है यहाँ का मानसून काल सबसे छोटा होता है। तो मानसून काल कितने दिन का होता है, वो होता है 50 से 60 दिन का मानसून काल होता है। यहाँ का मानसून काल सबसे छोटा होता है क्योंकि 50 से 60 दिन का मानसून काल होता है। और यहाँ की मिट्टी के कारण भी यह ड्राई एरिया माना जाता है। मिट्टी के कारण क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बालू मिट्टी है या बलुई दोमट मिट्टी है। इसके क्या कण मोटे होते हैं, और कण मोटे होने के कारण यह पानी का अवशोषण नहीं करते, और पानी का अवशोषण नहीं करते तो वहां क्या है सूखा जल्दी आ जाता है। जैसे अपन आज पानी दिया तो दो दिन बाद फिर पानी देना पड़ेगा, क्योंकि वो कण मोटे होते हैं और मोटे होने के कारण वह पानी का अवशोषण नहीं करते। तो मिट्टी का भी देख लेते हैं, मृदा बालू तथा बलुई दोमट होने के कारण तो यहाँ की मृदा भी एक इम्पोर्टेंट है ड्राई एरिया करने के लिए। क्योंकि मृदा कण मोटे हैं, बालू है, तो वहां क्या मोटे कण पानी का अवशोषण नहीं करते, और पानी का अवशोषण नहीं होगा तो अपन जैसे अभी अभी सिंचाई करेंगे तो फिर दो दिन बाद फिर जरूरत पड़ेगी पानी, क्योंकि कण तो वहां अवशोषण कर ही नहीं रहे, पानी सतह से नीचे चला जाता है। तो तीसरा कारण ये हो गया। चौथे कारण की बात करते तो अपन कंपेरिजन करते हैं पूरे भारत की मृदा का कंपेरिजन अपन वहां की मृदा से करते हैं, ड्राई एरिया वाली मृदा से। तो देखते पूरे भारत की मृदा का कंपेरिजन अपन ड्राई एरिया वाली मृदा से करते हैं तो वहां की जो मृदा है उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। कितने कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है, तो वो होती है 0.1% कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है लगभग। तो ड्राई एरिया वाली जो क्षेत्र है, जो भी अपना पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है, वहां जो कार्बनिक पदार्थ है उनकी मात्रा 0.1% होती है। और जो अपन देखते हैं भारत में और कहीं की बात करते हैं, जो अपन आर्द्र एरिया है या अर्ध शुष्क एरिया है, तो उसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो वहां की जो मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 5% कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम, तो वो मात्रा कम कितनी होती है, वो होती है 0.1%। और भारत की और सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा वो है 5%। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि वहां शुष्क क्षेत्र बनने के क्या कारण है, वह शुष्क क्षेत्र क्यों बना है। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए क्या क्या किन कारणों से बना है। पहला है अरावली पर्वतमालाओं के अवरोध से। अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो वहां मानसून पहुंचता तो वहां बरसात होती तो वहां फसल अच्छी होती और ड्राई एरिया नहीं रहता, वहां जो अपन बोलते हैं आर्द्र एरिया हो जाता, क्योंकि बरसात पड़ती है तो आर्द्र एरिया हो जाता। तो मानसून, और यहाँ के बात करते हैं मानसून काल की, तो मानसून काल सबसे छोटा होता है, 50 से 60 दिन का मानसून काल होता है। और तीसरा पॉइंट आता है मृदा बालू होती है और दोमट बलुई होती है, जिसके कारण क्या होता है मृदा के कण मोटे होते हैं और बहस हल्का अवशोषण नहीं करते। चौथा कारण आता है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। ड्राई एरिया वाले क्षेत्र जो है, ड्राई एरिया क्षेत्र है शुष्क क्षेत्र वाली मृदाओं के अंदर
कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 0.1% पाई जाती है, और पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा मृदा के अंदर, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा वो पाई जाती है 5%। तो ये पॉइंट है, अपने को ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन ड्राई फार्मिंग के कुछ पैरामीटर्स है, तो पैरामीटर्स देख लेते हैं। पैरामीटर्स क्या है तो वो पैरामीटर्स देखते हैं। तो ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग, तो ये तीन फार्मिंग आती है। तो तीनों फार्मिंगों के लिए, तीनों खेती के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो अपन देख लेते हैं। तो पैरामीटर्स की बात करते हैं तो यहां लिख लो, अपन को एक कॉलम बना लेना है, तो उसमें पहला लिखना है ड्राई फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग। दूसरा आता है ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, और तीसरा आता है वो आता है रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग को अपन बोलते हैं शुष्क खेती, शुष्क खेती। ड्राई लैंड फार्मिंग को बोलते हैं शुष्क भूमि खेती, शुष्क भूमि खेती। और अपन रेनफेड को बोलते हैं वर्षा प्रोसित खेती। तो अपन तीनों को ये बोलते हैं, तो अपन इनके कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं क्या है वो अपन यहां देखते हैं। तो पहला आता अपन शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, और ड्राई लैंड फार्मिंग को बोलते हैं शुष्क भूमि खेती, वर्षा प्रोसित खेती, और ड्राई फार्मिंग को तो अपन बोलते हैं। तो यहां लिख लो पैरामीटर, पैरामीटर। तो बात करते हैं पैरामीटर की, तो पहला पैरामीटर आता है, तो बात करते हैं वार्षिक वर्षा, तो पहला पैरामीटर आता है वो आता है वार्षिक वर्षा। तो बात करते हैं शुष्क खेती के अंदर वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, साल में कितनी वर्षा मिनिमम मानी जाती है उससे कि वह क्षेत्र शुष्क रहता है। तो यहां जो बरसात होती है वो होती है, यहां जो बरसात होती है वो होती है 750 mm से कम, 750 mm से कम यहां वर्षा होती है वार्षिक वर्षा। औसतन अपन वार्षिक वर्षा की बात कर रहे हैं, तो शुष्क खेती के अंदर, शुष्क क्षेत्र के अंदर जो वार्षिक वर्षा होती है वो होती है 750 mm से कम वर्षा वार्षिक वर्षा होती है। ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करते हैं तो यहाँ जो बारिश होती है वो होती है 750 से 1150 mm यहाँ ड्राई लैंड फार्मिंग में वार्षिक वर्षा होती है, शुष्क खेती में होती है 750 mm से कम। और अपन रेन फेड फार्मिंग की बात करते हैं तो यहाँ वार्षिक वर्षा होती है वो होती है 1150 से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। तो अपन वार्षिक वर्षा की बात करते हैं तो वार्षिक वर्षा ड्राई फार्मिंग में होती है 750 mm से कम, यहाँ होती है ड्राई लैंड फार्मिंग में 750 से 1150 mm, और रेन फेड फार्मिंग में होती है 1150 mm से ज्यादा, 1150 mm से ज्यादा। तो ये तो होगी वार्षिक वर्षा, यहाँ इतनी वार्षिक वर्षा होती है ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि वार्षिक वर्षा यहाँ इम्पोर्टेंट है और ये अपने को आगे बात करते हैं आर्द्रता की। आगे अगला पैरामीटर आता है वो आता है आर्द्रता। तो जो शुष्क खेती है, शुष्क खेती के अंदर जो आर्द्रता होगी वो अधिक कम, मतलब यहाँ आर्द्रता तो बिल्कुल है ही नहीं, अधिक कम होती है यहाँ आर्द्रता, मतलब यहाँ ना के बराबर आर्द्रता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ बरसात होती नहीं है तो आर्द्रता कहाँ से आएगी। तो यहाँ ना के बराबर आर्द्रता पाई जाती है, मतलब अधिक कम, और ड्राई लैंड फार्मिंग में कम आर्द्रता पाई जाती है, और यह क्षेत्र तो आर्द्र होता ही है, मतलब अधिक लिख सकते हैं अपन अधिक। मतलब अपन बात करते हैं रेन फेड फार्मिंग में आर्द्रता पाई जाती है अधिक, ड्राई लैंड फार्मिंग में आर्द्रता पाई जाती है कम, और ड्राई फार्मिंग में अत्यधिक कम, अधिक कम मतलब, क्योंकि यहां बरसात होती नहीं तो यहां वो पाई जाती नहीं आर्द्रता। अब बात कर लेते फसल उत्पादन काल कितने दिन का होता है। तो अगला अपना पैरामीटर आता है वो आता है फसल उत्पादन काल, फसल उत्पादन काल,
अगला पैरामीटर आता है वो आता है फसल उत्पादन काल। तो ड्राई लैंड ड्राई फार्मिंग का जो फसल उत्पादन काल होता है वो होता है 75 दिन से कम। 75 दिन से कम यहाँ ड्राई लैंड ड्राई फार्मिंग का आर्द्रता काल होता है, और यहाँ आता है वो आता है 75 से 120 दिन का जो डे का जो काल है वो फसल का फसल उत्पादन काल है। ड्राई लैंड फार्मिंग 75 से 120 दिन का है, और यहाँ रेनफेड फार्मिंग की बात करते हैं तो यहाँ आता है 120 दिन से अधिक जो काल है वो रेनफेड फार्मिंग का फसल उत्पादन काल होता है। अगला बात करते हैं, अगला पैरामीटर आता है फसल शुष्क क्षेत्र। तो यहाँ कौन से क्षेत्र के अंदर शुष्क होता है, कौन से क्षेत्र के अंदर आर्द्र होता है? तो बात करते हैं ड्राई फार्मिंग के अंदर जो क्षेत्र होता है वो होता है शुष्क क्षेत्र होता है ड्राई फार्मिंग के अंदर। बात करते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है, अर्ध शुष्क। और बात करते हैं रेनफेड फार्मिंग की, तो रेनफेड फार्मिंग के अंदर जो क्षेत्र होता है वो होता है आर्द्र क्षेत्र। तो आर्द्र क्षेत्र जो है यहाँ होता है क्योंकि यहाँ बरसात लगातार पड़ती रहती है, यहाँ जो क्षेत्र है वह शुष्क होगा। ड्राई लैंड फार्मिंग का क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क होगा। अब बात कर लेते हैं फसल प्रणाली की, फसल प्रणाली। अगला पैरामीटर आता है वो आता है अपना फसल प्रणाली, मतलब कि ड्राई फार्मिंग के अंदर अपन कितनी फसल बोते हैं और कितनी फसल अपन प्राप्त कर लेते हैं, आर्द्र के लिए अपन कितनी फसल बोते हैं। तो जो ड्राई फार्मिंग में जो फसल प्रणाली पाई जाती है वो पाई जाती है एकल व मिश्रित फसल प्रणाली, मिश्रित फसल प्रणाली, एकल व मिश्रित फसल। और जो ड्राई लैंड फार्मिंग में भी वो पाई जाती है एकल व मिश्रित, एकल व मिश्रित, मिश्रित। और जो यहाँ पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है बहु फसल प्रणाली, बहु फसल। अब बात करते हैं एकल मिश्रित का मतलब क्या है यहाँ पे। तो यहाँ जो अपन एकल और मिश्रित दोनों फसल बोल रहे हैं, तो यहाँ दोनों फसल अपन एक मतलब अपन क्या बोलते हैं, ये डैमेज भी हो सकती है, मतलब इनका कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये फसल यहाँ अगर सूखा ज्यादा पड़ जाता है तो यह फसल मतलब उगेंगे नहीं, उत्पादन होगा ही नहीं इनका। तो यह फसल अपन यहाँ जो बो रहे हैं, तो यहाँ जो फसल बो रहे हैं इनका कोई पता नहीं कि उगे उगे ना उगे। तो अपन एकल मिश्रित फसल अपन कैसे बोते हैं, मिश्रित फसल अपन अलग अलग प्लॉट में भी तो बो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मिश्रित बोते हैं तो कुछ बीजों को मतलब कुछ फसलों के बीजों को मिक्स करके खेत के अंदर डालना। तो यहाँ अपन फसलों को अलग अलग कतारों के अंदर नहीं बोते, मिश्रित इसलिए नहीं बोते क्योंकि यहाँ अपन फसलों के बीजों को मिक्स करके डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि अगर जैसे अपन अलग अलग प्लॉट में बीज बोते हैं, जैसे अपन ने यहाँ बो दिया बाजरा, यहाँ बो दिया अपन ने दलहनी फसल है, तो बाजरा जो है तो बाजरा जो बाजरे का जो तना है तो वो ऊपर से जो अपन जल अवशोषण करता है, तो यहाँ से अपन को जल अवशोषण कर लेगा। दलहनी फसलें जमीन के अंदर से जल अवशोषण कर लेती है, तो अब बाजरा जो है वो जमीन के अंदर से तो जल अवशोषण नहीं कर रहा है, यह तो तने से जल अवशोषण कर रहा है। तो कारण क्या है, क्योंकि यहाँ ड्राई एरिया शुष्क एरिया तो है ही, तो यहाँ सूखा तो है, पानी की मात्रा कम है, तो अपन इनको एक साथ बोने से फायदा क्या है, जैसे अपन ने एक साथ बो दी इसी में दलहनी इसी में, तो कुछ फसलें तो नीचे से जल अवशोषण कर लेंगे, कुछ ऊपर से कर लेंगे, तो यहाँ जीवन काल पूर्ण हो जाता है। तो इस वजह से अपन इनको मिक्स करके बोते हैं, लेकिन यहाँ जो लेकिन यहाँ जो अपन बो रहे हैं दोनों फसलें, यह दोनों रिक्सी फसलें, उत्पादन हो जाए नहीं तो नहीं भी हो, क्योंकि ड्राई अगर सूखा ज्यादा पड़ जाता है तो उत्पादन नहीं होगा। अगर अपन बात करते हैं यहाँ ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या है, यहाँ एक फसल तो अपन आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, दूसरी फसल अपन रिक्सी बोते हैं, क्या पता वो फसल नष्ट हो जाए। तो एक फसल तो अपन यहाँ आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अगला आता है बहु फसल प्रणाली, इसमें क्या होता है, इसमें दो फसलें तो अपन आसानी से प्राप्त कर लेते हैं एक साथ। तो ये है फसल प्रणाली, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। यहाँ तो क्या है, दोनों फसलें हैं वो है रिक्स टाइप में, मतलब रिस्क ले रहे हैं अपन। यहाँ एक फसल तो अपन आसानी से प्राप्त कर रहे हैं, दूसरी फसल रिक्स टाइप में बो रहे हैं, यहाँ अपन दो फसलों से अधिक प्राप्त कर लेते। तो कर लेते हैं शुष्क काल की, शुष्क काल, शुष्क काल। तो ड्राई फार्मिंग में शुष्क काल तो लगातार बना रहता है,
लगातार, और यहां रहता कम, और यहां तो होता ही नहीं, यहां नहीं होता। तो शुष्क काल क्या है? ड्राई फार्मिंग में तो लगातार बना रहता है, ड्राई लैंड फार्मिंग में कम होता है, और रेनफेड फार्मिंग में शुष्क काल होता ही नहीं है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो ड्राई फार्मिंग से इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये है पूरा, अपने को पूरा पढ़ लेना है कितने मिलियन हेक्टेयर पर खेती कृषि क्षेत्र है, कितने मिलियन हेक्टेयर पर खेती हो रही है, शुष्क क्षेत्र कितना है, तो ये सभी के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो ये हो गए अपने पैरामीटर्स, पैरामीटर्स से भी क्वेश्चन बनता है। तो आज की क्लास अपनी इतनी ही है, इतना ही आएगा शुष्क खेती से। इसके अलावा शुष्क खेती से कहीं से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना नहीं है, और ना ही इसके अलावा कहीं से आएगा। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोज लाते रहते हैं इस चैनल पर, हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोज डालते रहते हैं। तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियो देखें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोज लाते रहते हैं और हमेशा लाएंगे। हमारा जो ये चैनल है, ये है मेनली 11th और 12th का 12th ऑनलाइन कोर्स के लिए है। यहाँ पूरा नोट्स प्रोवाइड होंगे, नोट्सों के जरिए अपन पढ़ेंगे, नोट्सों के थ्रू अपन पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाने के लिए अपन पढ़ रहे हैं। गाइस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए लेसन के साथ। ओके।